हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद आनंद। आज मैं आपको एक और नए प्रोजेक्ट के साथ फैमिलियर करने जा रहा हूँ। ये भी एंड्रॉयड के ऊपर ही है, ये एक शॉपिंग कार्ट के ऊपर है जिसमें हम लोग मेडिकल स्टोर के ऊपर बात करेंगे। इसमें मेडिसिन वगैरह को परचेज सेल कर सकते हैं और हम इसमें पूरी तरह से सेल परचेज़ का पूरा सिस्टम रखेंगे। इसमें हम डायनेमिकली प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन फायरबेस एंड सिक्वलाइट डेटाबेस स्टोरेज ऑफ एंड्रॉयड सिस्टम। इस प्रोजेक्ट के बारे में जाने से पहले हम लोग एक चीज़ के बारे में समझ लें कि अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप कोई प्रोजेक्ट इस तरह का बनवाना चाहते हैं यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। आपके कॉलेज का कोई असाइनमेंट हो, कोई प्रोजेक्ट हो, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। आई कैन डेवलप योर प्रोजेक्ट ऑन ए वेरी नेग्लिजिबल प्राइस। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पर बनाया है, इस प्रोडक्ट में मैंने क्या किया है, ये हमारा वेलकम स्क्रीन है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसमें स्लाइडर है। इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं किसी मेडिसिन को, और कॉलिंग में जाकर आप कोई कॉल भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर परमानेंटली अपना नंबर सेव कर दीजिए सो दैट अगर किसी को कॉल करके पूछना है तो वो ऑर्डर कॉल करके भी बुक कर सकता है। तो गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ प्रोडक्ट पेज नज़र आ जाएगा। ये फायरबेस से आ रहा है आपका, यहाँ परमानेंट आपका स्टोरेज यूज़ हो रहा है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका ऑर्डर कर सकते हैं। बट वंस यू स्टार्ट दिस ऐप, आपको सबसे पहले ये नज़र आएगा कि आपको यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना होता है। दो तरह के लॉगिन यहाँ पर हैं हमारे पास, एक कस्टमर लॉगिन और एक एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन के पास जो राइट्स हैं वो होंगे कि वो प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, और जो कस्टमर होगा उसके पास अपना शॉपिंग का ऑर्डर वगैरह करने का ऑप्शन होगा। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ पहले एडमिन क्या कर सकता है। मैं एडमिन लॉगिन पर जाता हूँ, ये अकाउंट सेक्शन है, ये एक एक करके देख लीजिए। ये हमारी सिंपल स्क्रीन है जो हमारा होम पेज है, और इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं किसी मेडिसिन के बारे में करते हैं तो, जैसे मैंने कहा डीकोड आप देख रहे होंगे, यहाँ दिख रहा है एंड लेट्स सी आई कैन ऑर्डर इट। तो यहाँ सर्चिंग का ऑप्शन है। दूसरा आप यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर आपको सर्च का मिलेगा। लेट्स से मैंने कहा टैबलेट्स, ये दो तरह की टैबलेट्स हैं मेरे पास, मैं क्लिक कर सकता हूँ एंड आई कैन ऑर्डर। सो दिस काइंड ऑफ थिंग वी कैन डू। तीसरा हमारे पास ये नोटिफिकेशंस के लिए जिसमें ऑर्डर हिस्ट्री आएगी, आपने क्या क्या ऑर्डर कर रखा है। दूसरा हमारे पास ये है जिसमें आप लॉगिन रजिस्टर कर सकते हैं। एडमिन लॉगिन से हम शुरू कर लेते हैं। मैं पहले आपको दिखाता हूँ, एडमिन प्रोडक्ट को ऐड और रिमूव कर सकता है। मेरा एक लॉगिन मैं यहाँ पर कर देता हूँ, लेट्स सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम लॉगिन कर चुके हैं, और मैं जैसे ही अकाउंट सेक्शन में जाऊँगा अब मेरे पास यहाँ पर चार ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। वी कैन साइन आउट, वी कैन चेंज पासवर्ड, शायद मैं इसे एक और बार इसे बनाने की कोशिश करूँगा। मैं इस बार इसमें नेविगेशन ड्रॉअर यूज़ करूँगा जिसके थ्रू मैं ये चारों पांच ऑप्शंस यूज़ करने वाला हूँ। तो इसका नेक्स्ट मैं यहाँ पर जब इसमें अपडेट कर दूँगा तो इसमें नेविगेशन ड्रॉअर होगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इसकी वजह कि मैं बटन्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ, फ़िलहाल देख लेते हैं। यहाँ पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है अगर आप पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो। दूसरा ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, क्लिक कीजिए। ये फ़ोटो के लिए है, आप जाइए, यहाँ पर हमारे पास नहीं है वो, दूसरे पर चलते हैं। यहाँ मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ ले रखे हैं, लेट्स से दिस वन, दिस इज़ अमोक्सिसिलिन, मैंने कहा अमोक्सिसिलिन और टैबलेट्स अमोक्सिसिलिन, लेट्स सी एनीथिंग कुछ भी हो। यहाँ पर मैंने कहा लेट्स सपोज ये 150 रुपीज़ का पर पैकेट है, लेट्स सेव। तो आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये आपका फायरबेस में सेव करता है। प्रोडक्ट सेव हो चुका है क्या वाकई में? हम लोग जाते हैं वापस अकाउंट्स पे और शो में जाते हैं। ओके माय मिस्टेक, वेट मैं फिर शायद इसमें कुछ करना भूल गया हूँ। ओके आई डोंट नो ये कैसे हुआ था, बट ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली। अभी आपका सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं फिर से एक बार आपके सामने कर देता हूँ। यहाँ ये हमने ऐड किया, मैं एक बार फिर से यहाँ ऐड कर रहा हूँ, मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद ये दो बार लिस्ट दिखाने लग गया था। लेट्स सपोज दिस टाइम व्हाट आई यूज़ विक सिलेंडर, और मैंने इसका नाम लिख दिया विक्स इनहेलर।
मैंने यहाँ पर इसका प्राइस दे देता हूँ, लेट्स सपोज 50। सेव, माय प्रोडक्ट हैज़ बीन सेव्ड। लेट्स सी नाउ, सी योर प्रोडक्ट। यहाँ पर विक्स इनहेलर आ चुका है। आप प्रोडक्ट लिस्ट में जाएंगे तो आपको नीचे नज़र भी आएगा। आप जितने चाहे उतने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और लेट्स सपोज इस बार हम ले लेते हैं, एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर ये सिट्रोजिन मैं ऐड कर चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पर इसे ले लेते हैं। एंड इसको हम कहते हैं, लेट्स सपोज ये है हमारे पास कोरेक्स, कोरेक्स सिरप। और इसकी प्राइस ले लेते हैं, लेट्स सपोज 120। लेट्स लीव इट। और ये भी हमारा सेव हो चुका है। लेट्स सी नाउ, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये सिरप भी आ गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डायनेमिकली कितने भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक ही सिरप है, मैं और भी सिरप डाल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, सेलेक्ट ऑल में जाकर आप कभी भी किसी प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। लाइक मैं इस प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा और ये डिलीट हो चुका है। लुक, यहाँ पर आप देखेंगे वो प्रोडक्ट यहाँ से गायब हो चुका है। सो इस तरह से हम डायनेमिकली इसमें वर्क कर सकते हैं। ये तो था एडमिन की फंक्शनैलिटी जो मैंने परफॉर्म करवाई है। साइन आउट करता हूँ। अब मैं जो लॉगिन करूँगा वो कस्टमर का करूँगा। तो उसके लिए पहले मैं एक रजिस्टर कर लेता हूँ कस्टमर को। लेट सपोज मैं अपने ही नाम से कर लेता हूँ। लेट सपोज यहाँ कर देते हैं नोएडा। नंबर, ये फ़ोन नंबर जो होगा हमारा, दिस विल बी 9811। मैं यहाँ पर कोई भी नंबर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, 9999988888। सो ये हमारा यूज़र आईडी होगा। मेरा एक्चुअल नंबर से ऑलरेडी इसमें है अकाउंट, तो मैं यहाँ पर कोई भी आईडी दे देता हूँ। आपका फ़ोन नंबर आपका यूज़र आईडी बनेगा इसमें। पासवर्ड मैं नाम दे देता हूँ अपना। एंड लेट्स सी, मैं इसे सेव बटन, ये है हमारा यूज़र रजिस्टर हो चुका है, 9999988888। ओके, सो मैंने यहाँ पर इसको लॉगिन करवा लेता हूँ। लॉगिन, लॉगिन करने के बाद हमारा ये लॉगिन हो चुका है। अकाउंट्स में जाकर अपनी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है जिससे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या फिर आप लॉग आउट कर सकते हैं। वंस यू साइंड इन, अब आप यहाँ पर अपना कोई भी आइटम सेलेक्ट करिए। यू कैन चेंज द क्वान्टिटी एज वेल, मैंने कहा 2 ले लेते हैं। एंड ऐड टू कार्ट, आइटम ऐड हो चुकी है। मैं एक और ले लेता हूँ, इसको ऐड कर लेते हैं। और आप चाहें तो सर्च करके भी कर सकते हैं इस काम को। टैबलेट्स, बहुत सारी टैबलेट्स हैं, पैरासीटामोल ऐड। और अगर मैं जाऊँ तो यहाँ कार्ट में देख भी सकता हूँ, ये हमारे आइटम्स ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ये अपने आप से ज़ेब्रा लुक यहाँ पर आपका दिखाई देता रहेगा। और इसमें है, अगर आप चाहते हैं GST भी कैलकुलेटर, तो वो भी कर सकते हैं। सो वंस ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाता है, ये आपका चेकआउट का बटन है। डिटेल्स यहाँ एंटर कीजिए अपने कार्ड की, ये आपकी सेफ है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है जो वेरीफाई हो रहा हो। मैंने कहा 12-20225 एक्सपायरेशन एंड CVV नंबर, और हम लोग सीधा पेमेंट कर सकते हैं। लेट्स पे नाउ। ऑर्डर प्लेस हो चुका है हमारा। और अब हम चाहें तो यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ऑर्डर हमने कर दिया है और ये हमने आइटम्स थी जो ऑर्डर की थी। तो यहाँ पर ये हमारे पास सारा ऑप्शंस है। कार्ट अब खाली हो चुकी है क्योंकि हमारा ऑर्डर जा चुका है। तो ये हमारे पास सारा ऑप्शंस है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। आप नया ऑर्डर अब क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन साइन आउट, वंस यू साइन आउट एवरीथिंग विल बी ओके। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने ये सारा किया था। मेडिकल पूरा एक शॉपिंग कार्ट टाइप में हमने ये बनाया है। आई थिंक ये आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई प्रोजेक्ट और माई वीडियो, देन यू कैन लाइक एंड शेयर माई वीडियो। एंड इफ़ यू वॉन्ट दिस प्रोजेक्ट, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।